चलो, वेरी हैप्पी संडे। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया और लोगों को चेन ऑफ लाइफ से जुड़ने का मौका दिया। प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्यू नहीं किया है, लाइक नहीं किया, प्लीज उसको कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है लर्न टू रेस्ट। आप और हम आज की डेट में कोई भी हो, कुछ ना कुछ गोल सबने रखा हुआ है अपने लाइफ में कि हमें यहां तक पहुंचना है, या कुछ ना कुछ छोटे छोटे गोल हम लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन मेनी अ टाइम्स हम लोग गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं, या हम पहुंचने के करीब होते तो हम थक जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं हमसे होगा नहीं, एंड देन वी गिव अप। ये सिचुएशन आ जाती है कि गिव अप। एंड जैसे मैंने अपने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि जो गोल है वो आपका पेन और फीलिंग को नहीं समझता, वो गोल गोल है, आपको अचीव करना है तो आप कीजिए, उसके लिए आपको जो पेन होगा वो सहन कीजिए, जो फीलिंग होगी वो आपकी आपके पास रहेगी, उसे गोल को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम इस सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम हमारे मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि अब हमसे होगा नहीं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब भी आप सोचे कि मेरे को गिव अप करना है, तो गिव अप ना करके प्लीज टेक अ रेस्ट। यू शुड लर्न हाउ टू रेस्ट एंड वेन टू रेस्ट एंड वाई टू रेस्ट। हाउ एंड वेन आपको तो पता चलेगा कि जब आप गोल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वाई टू रेस्ट इज बिकॉज अगर आप कंटिन्यू चाहोगे कि एक साथ में जाके गोल को अचीव करो, शायद वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जब स्टेप बाय स्टेप की मैं बात करता हूँ कि आप थोड़ा आगे बढ़े, आपको टायर्डनेस लगा, आपको लगा कि नहीं होगा, आप रेस्ट लीजिए, अपने आप को रियलाइज कीजिए एंड देन फिट फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़े। ये जो हम करेंगे तो आपका गोल 110% अचीव होगा। लेकिन मेनी टाइम्स हम ये गलती कर देते हैं कि हम जब टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, हम रेस्ट की ना सोच के उसको गिव अप कर देते हैं। दैट्स नॉट द राइट स्टेप। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, एंजॉयिंग चेन ऑफ लाइफ।